वो एक पर्दे भी जैसा है कि स्मोक स्क्रीन है ना, तो हम दिखता नहीं है, जो बाहर से दिखता है वो शायद कुछ और है अंदर से जी। तो वो भी है, और आग जब जब लगती है तो स्मोक भी है। आपके जो प्लान्स है अगर वो चौपट हो जाते हैं तब स्मोक में गए हैं, तो सिर्फ स्मोक नहीं है बट स्मोक है। Actually, इस कहानी में भी हमारी रिलेशन काफी इंटरेस्टिंग yes. है। हमारी yes. एक लव स्टोरी है जो अनएक्सपेक्टेड है। एक्चुअली टेक्निकली ये जो कहानी है हम अंडरवर्ल्ड के बारे में है, गोवा के अंडरवर्ल्ड के बारे में है, और मैं एक शेफ हूँ जो डेफ और डम है, एंड यू आर द अनफॉर्चुनेटली इट्स गुंगा बेहरा, मे बी दैट्स अ पॉलिटिकली करेक्ट दिस थिंग, बट तो ये है। और मैं फिर बाऊ के घर में जो कैरेक्टर है उनके घर में काम करता हूँ, और अपनी जो मुलाकात होती है शो में, यू आर द गर्लफ्रेंड और द वाइफ ऑफ द डॉग, बताया हो गया, शीश शुरू हो गया। बट या बेसिकली हमारी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी शुरू हो जाती है। ये काफ़ी लॉस लड़की है जो पोर्चुगल से आई है, उसको अच्छे से हिंदी नहीं आती है, उसका एक्सेंट है पोर्चुगीज एक्सेंट, और वो एक बड़ा माफिया के ड्रग लॉर्ड के साथ काम करती है और है right. और उसके बीच में ये मिल जाता है हाँ. जो बहुत ही सिंपल लड़का और सिंपल लगता है शुरू में और एंड में भी है कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा। ये जो कहानी है इसका कोई मॉरल नहीं है इसमें, ये एक फिक्शन बेस्ड है, जो आई एम श्योर जैसे कि कल्कि ने कहा है कि काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स है और स्ट्रक्चर है नारकोटिक्स का गोवा में, उस हिसाब के टॉपिक तो चाहिए ही चाहिए एक कहानी बनाने के लिए, तो वो है। तो आई डोंट थिंक ये एक ये फिक्शन है 11 एपिसोड्स में। और अगर आप पूछ रहे हो मैसेज यूथ के लिए, आई थिंक मैं यही कहना चाहता हूँ कि चाहे आप जो भी एज हो, इस लाइफ को मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे प्यार करो, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, काम करो अच्छी तरह से, अच्छी तरह से खाना खाओ, सेलिब्रेट करो, और जो भी आप कर रहे हो सोच समझ के, बस एक बार सोच के करो। बड़ा माफिया के बारे में है जो ड्रग्स में डील करते हैं, और आई थिंक कि ये बहुत असली प्रॉब्लम है गोवा की कि काफ़ी सारा अंडरवर्ल्ड है और काफ़ी सारा ड्रग्स के ट्रेड्स हो रहा है, और वो भी दिखाते हैं कि पुलिस और नारकोटिक्स को कितना मुश्किल है ये लोगों को पकड़ने के लिए, कैसे पॉलिटिशियंस भी घुसे हैं उसके अंदर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंगली वो सारी दुनिया दिखता है कि एक्चुअली जो विलन है वो ऑफन वो इतना ड्रग्स नहीं लेते हैं, वो बेचता है ड्रग्स, और जो बंदा जो स्ट्रीट्स पे है जो सोचता नहीं वो एडिक्टेड बन जाता है, लेकिन वो जो एडिक्टेड है ड्रग्स को ज़्यादातर वो बड़ा क्रिमिनल नहीं है, जो बड़ा क्रिमिनल है वो जो पूरा ट्रेडिंग करता है ड्रग्स को, तो उसके बारे में है ये। हम तो बचपन से दोस्त हैं, तो ये तो अच्छी बात है। यस, रियल लाइफ में तो मेरा ये मानना है कि सक्सेस वो है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही काम कर सकते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी था, और हम गोवा में रह रहे थे और काम भी कर रहे थे, और ये जो थ्रिलर है इट्स फैंटास्टिकली रिटन और सारे कैरेक्टर्स बढ़िया है, तो बट आई थिंक इससे पहले वी हैड वर्क्ड इन विच वन नॉट नहीं शैतान के बाद कुछ अपार्ट फ्रॉम योर प्ले ना आई थिंक शैतान के बाद दिस इज व्हाट वी हैव डन या
और गोवा तो अगर कोई किसी को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप काम कर रहे हो गोवा में, तो हम ये इंटरव्यू भी गोवा में कर सकते हैं, तो बड़ी मतलब जॉयफुली करेंगे। तो वो एक अच्छा था। और हम रह रहे थे एक साथ, काम कर रहे थे, और मैं वर्क के पहले स्विम के लिए जाता था और फिर स्कूटर पे काम के लिए जाता था। तो उस तरह का जो कल्चर है जो आप बॉम्बे में नहीं, मुंबई में नहीं करते थे। तो अरे काफी शाम सारे। में स्विम करते थे अच्छे या, से सनसेट के साथ या, स्विमिंग करते थे समुंदर में, उसके बाद हम शावर करके शूट पे जाते थे और फिर पूरी रात को शूट करते थे और सुबह तो वेदर में अच्छा ब्रेकफास्ट खा के सो जाते थे। वहाँ पे डेंगू हो गया था और मैं क्लिनिक पे जाती थी रोज टू गेट ड्रिप, शूट पे जाती थी उसके बाद रात में ड्रिप। और गुलशन बहुत अच्छे से ध्यान रखा मेरी, वो रोज मेरे साथ क्लिनिक पे आता था जो एक डेढ़ घंटे दूर था। गुलशन काफी केयरिंग है, गुलशन बहुत अजीब सा केयरिंग है। अजीब सा केयरिंग मतलब वो गुस्से में केयरिंग है। वो बोलता है हाँ मेडिसिन लिया आपने, ये किया वो नहीं किया, हाउ विल यू गेट बेटर इफ यू डोंट ड्रिंक दिस, इफ यू डोंट ड्रिंक वाटर, इफ यू डोंट हैव योर वो क्या पपाया जूस, जो पपाया लीव्स का जूस है जो गंदा जूस है ना जो पीना चाहिए डेंगू प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए। वो बहुत एक्चुअली अंदर से स्वीट है पर बाहर से थोड़ा टफ।